जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। क्रोमेटोग्राफी हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज का जो लेक्चर है वो क्या है, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या क्या होने वाले लेक्चर के अंदर, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फिर इसके प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, फिर बात करेंगे हम इसके टाइप्स की, फिर इसके एडवांटेज की, और लास्ट में क्या देखेंगे इसका एप्लीकेशन पोर्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट किस पे बेस्ड है, ये है एडजॉर्प्शन पे बेस्ड। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे, इस पे एडजॉर्प्शन होना है तो मैं इसको बोलूँगा एब्जॉर्बेंट। ये मेरे एब्जॉर्बेंट है, और जिस जो आके यहाँ पे एडजॉर्ब होगा इसकी सरफेस पे, तो इसको जो मैं बोलूँगा क्या बोलूँगा, एब्जॉर्बेंट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी बना रखा है कि ये सॉलिड पार्टिकल जो बड़ा वाला है उसको बोलेंगे एब्जॉर्बेंट, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है एडजॉर्प्शन का, और कौन जो आके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है उसको बोल रहे हैं एब्जॉर्बेंट। गॉट इट? ठीक है, एडजॉर्प्शन जो है इस पे बेस्ड होता है TLC। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसमें टाइम लगता है ऑलमोस्ट 30 मिनट। कैसा लगता है, 30 मिनट का टाइम लगता है ऑलमोस्ट, जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर भी ऑलमोस्ट कभी कभी लग जाते हैं। तो इसमें टाइम कम लग रहा है, यानी टाइम सेविंग है ये TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। किसका है, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है पॉइंट नंबर थर्ड। यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर भी पैक कर रखा है, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है TLC। अब मुझे बताइए आप कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है, जैसे TLC किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, वैसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, ये जस्ट लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, थोड़े से चेंजेस है, वो क्या है अब हम इसको देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे होता है TLC का। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करते हैं समझने की। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ प्लेट। हम इसमें प्लेट प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, एक ग्लास रोड लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए कि यही ग्लास रोड है मेरे पास। ठीक है, ये ग्लास रोड है, मैं इसको साफ करूंगा, आराम से कपड़े से पहुंचूंगा ताकि इस पर जो भी डस्ट पार्टिकल है वो हट जाए। अब मैं क्या करूंगा, इस पर सिलिका जेल और वाटर का मिक्सचर लेके इस पर पेस्ट करूंगा। बट जब आप इसको पेस्ट करेंगे इसके ऊपर, तो देखेंगे कि जैसे आपने प्लेट ऐसे की तो वो सिलिका जेल और वाटर नीचे की तरफ टिप 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 बरसा पानी, गाना है वैसे, टिप टिप बरसा पानी, तो वैसे ही आपने सिलिका जेल लगाया और सक देने से नीचे। अब क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस पे हम क्या लगाएंगे, पहले इस ग्लास रोड पे हम लगाएंगे जिप्सम CuSO4.2H2O, और फिर हम इस सिलिका और वाटर के मिक्सचर को लगा देंगे, तो पेस्ट कर देंगे। तो क्या करा कि हमने एक ग्लास रोड ली, उस पर सिलिका जेल और वाटर का मिक्सचर, एक लेयर बना देंगे इस ग्लास रोड पे, कितने की, 0.1 से 0.3 mm की लेयर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो हमारी प्लेट बन गई। इसके लिए हमने जिप्सम यूज़ में लिया है, वो फॉर्मूला मैंने बताया। फिर एप्लीकेशन ऑफ सैंपल ऑन द प्लेट, हम इस प्लेट पर क्या करेंगे, सैंपल लगाएंगे। सैंपल क्या है, सैंपल जो भी आपका मिक्सचर है उसके अंदर आप कोई भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करके सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसको कैपिलरी की हेल्प से इस पर लगा सकते हैं डॉट फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, क्या ये भी हमारी, ये हमारी क्या है, ग्लास रोड है, उस पर मैंने क्या किया है, स्पॉटिंग की है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉटिंग, क्या सैंपल सॉल्यूशन का पॉइंट लगाते हैं। जैसे हमने कल पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखा था, अगर आपको याद है हो, तो हमने क्या करा था, पेपर लिया था पेपर क्रोमेटोग्राफी में, और हमने यहाँ पर नीचे से थोड़ा ऊपर हमने क्या करा था, एक सैंपल का डॉट लगा देते हैं, यानी जो भी मिक्सचर हम अलग कर रहे हैं उसका यहाँ पे डॉट लगाया था। इसको मैं बोलता हूँ, इस प्रोसेस को बोलता हूँ स्पॉटिंग। गॉट इट? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर ये जो प्रोसेस हो गया उसको तो मैं बोलूँगा सैंपल, एप्लीकेशन ऑफ सैंपल ऑन प्लेट। अब मैं क्या देखूँगा, देखूँगा कि डेवलपमेंट ऑफ द प्लेट। अब मैं क्या करूँगा, प्लेट डेवलप करूँगा। कैसे करूँगा, ये जो मैंने प्लेट ली है जिसमें मैंने सैंपल किए स्पॉटिंग कर दी, इसको मैं ग्लास जार में डिप कर दूँगा। ग्लास जार में जैसे ही, जैसे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में किया था कल, जैसे कल किया था सेम, ये ग्लास जार है मेरे पास, मैंने क्या किया, ग्लास रोड है, अभी ध्यान रखिए कि क्या है, ग्लास रोड, मैंने इसके इसको इसके अंदर क्या कर दिया, डिप कर दिया।
ध्यान से देखिए, जहाँ पर मैंने स्पॉट लगाया है वो सॉल्यूशन में डिप है क्या? नहीं है। ध्यान से देखिए, वाटर लेवल सिर्फ यहाँ तक है और ये जो मैंने स्पॉटिंग की है स्पॉट, वो यहाँ पर है, ठीक है, डिस्टेंस है। तो ऐसे ही हम सेम पेपर क्रोमेटोग्राफी के जैसे इस प्लेट को हम किस में डिप कर देंगे? सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द प्लेट, प्लेट का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ये डेवलप प्लेट हो गई आपकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ही आपने इसको, किसको, हमारी प्लेट को हमने सॉल्यूशन में डिप किया, तो सॉल्यूशन ऊपर की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। कल हमने देखा था, जैसे ऊपर मूव करेगा तो जो कंपोनेंट हमने इसमें लगाया है, सैंपल लगाया है, उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट है, तो वो भी बोलेंगे अरे सॉल्वेंट कहाँ जा रहे हो, घूम रहे हो, हम भी घूमेंगे यार चलो। अब वो बोलेगा सॉल्वेंट देखो मैं जितना रनिंग कर सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ, तो तुम नहीं कर सकते। तो कंपोनेंट सोचते हैं अच्छा ऐसा है, चलो जहाँ तक हम चलेंगे वहाँ तक चल सकते हैं। तो अब इनकी डिस्टेंस अलग अलग रहती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और प्लेट बना के, ये जो स्पॉट है ये तो हमारा क्या है, स्पॉटिंग वाला है, सैंपल का डॉट है, और बाकी ये जो डॉट है वो क्या है, ए और बी है। जहाँ तक सॉल्वेंट जाता है किसमें, इस प्लेट में, उसको मैंने एक लाइन से ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। कल हमने देखा था पेपर क्रोमेटोग्राफी में। और ध्यान से देखिए, जहाँ तक ये कंपोनेंट जाते हैं वहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। हो रहा है क्या, लाइट कम हो गई? हाँ, बादल हो गए, बारिश आएगी। चलिए हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करा, यहाँ पे स्पॉटिंग कर दी, सैंपल लगा दिया, यहाँ पे मान लीजिए मेरा ए और यहाँ पे बी, ए बी ये कंपोनेंट आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इनका डिस्टेंस देख लूँगा कहाँ से, यहाँ जहाँ तक सॉल्वेंट गया है, इसको अपन क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस प्लेट को, प्लेट को बड़ा कर दिया। मान लीजिए कि सॉल्वेंट हमारा यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है डी वन। ए और सॉल्वेंट जहाँ से हमने सैम स्पॉटिंग की है उसका डिस्टेंस है डी, और इसका डिस्टेंस है डी टू, और इसका डिस्टेंस है डी थ्री। सॉल्वेंट जहाँ तक गया है इस प्लेट में ऊपर तक, यहाँ से इस डॉट से यहाँ तक की डिस्टेंस डी वन, फिर ए और यहाँ से डिस्टेंस डी थ्री, और बी की डी टू, ठीक है। आप डी वन टू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आर एफ फैक्टर किसके लिए, ए के लिए, ए कंपोनेंट के लिए क्या बोलूँगा, डी थ्री अपॉन डी वन। तो बात समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। अब मैं बोल सकता हूँ बी के लिए आर एफ फैक्टर क्या हो सकता है, डी टू अपॉन डी वन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट बी अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अब चलते हैं हम थोड़ा और आगे। क्या है, हम देखेंगे इसके टाइप्स। टीएलसी इज आल्सो टू टाइप्स। कितने टाइप के होता है टीएलसी? टी का मतलब मैं बता चुका हूँ थिन, एल का मतलब लेयर, सी का मतलब क्रोमेटोग्राफी। तो शॉर्ट में क्या हो गया, टीएलसी। दो टाइप है, दोनों मैंने मेंशन कर रखे हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। फर्स्ट वन क्या है, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। जैसा हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखा था कुछ वैसा ही। अब है क्या नॉर्मल फेज के अंदर, देखिए स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। स्टेशनरी फेज इज पोलर सॉल्वेंट एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी का यूज क्या है, यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ नॉन पोलर कंपोनेंट। नॉन पोलर किसके अंदर है, मोबाइल फेज के अंदर। तो जो मोबाइल फेज के अंदर होगा, जो फेज होगी, जैसा सॉल्यूशन होगा या सॉल्वेंट होगा, वैसा ही हम क्या लेंगे, उसका ही हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। ये हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी देखा है, याद हो तो, याद है कल देखा था अपन ने। चलिए, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। सेकंड जो है हमारा क्या है, टीएलसी का टाइप। स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज दोनों दे रखा है। देखिए यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज था इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर जो मोबाइल फेज है नॉन पोलर, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। यानी आपको सिर्फ एक लर्न करना है, कौन सा, नॉर्मल फेज, और रिवर्स फेज अपने आप याद हो जाएगा। देखिए क्या है, स्टेशनरी फेज
नॉन पोलर सॉल्वेंट मोबाइल फीस पोलर सॉल्वेंट हो गया और यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ पोलर कंपोनेंट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए, यूज़ किस लिए कर रहे हैं, पोलर कंपोनेंट जो है उनको सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर नॉन पोलर मैंने आपको बता रखा है कि दोनों जो है क्या रहेंगे, हमारे एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कुछ और, क्या टीएलसी में और क्या देख सकते हैं हम, देख सकते हैं एडवांटेज ऑफ टीएलसी ओवर द अदर फॉर्म्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यानी इसके एडवांटेज, जो भी क्रोमेटोग्राफी के अदर फॉर्म्स हैं उन पे एडवांटेज की बातें कर रहे हैं कि टीएलसी का क्या एडवांटेज है। फर्स्ट, सैंपल प्रिपरेशन इज यूजली रिलेटिवली सिंपल, यानी इसके अंदर जो हम सैंपल फॉर्मेशन करते हैं वो रिलेटिवली थोड़ा सा सिंपल है अदर फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी के अंदर, जो हम इसमें सैंपल बनाते हैं वो थोड़ा सा क्या है, सिंपल है। ओके, पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड सैंपल कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, यानी पैरेलल डेवलपमेंट, यानी जैसे आप सैंपल बनाते हैं उसके साथ साथ आप और कुछ भी डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी क्या है, आप कर सकते हैं एक साथ। ये इसका एडवांटेज है टीएलसी का। ओके, थर्ड क्या है हमारा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल अवेलेबल, शार्प सेपरेशन इज पॉसिबल, यानी इसके अंदर आपको क्या लेना है, स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या ले सकते हैं, हम क्वांटिटी ले सकते हैं, जो भी आप ले रहे हैं सॉल्वेंट है कोई भी कंपाउंड इसमें ले रहे हैं, जो यूज में ले रहे हैं केमिकल वो, और शार्प सेपरेशन होता है। सेपरेशन का मीनिंग क्या है, आपको पता है क्रोमेटोग्राफी का फंक्शन है ये, क्या कि मैं अगर कोई ऐसा मिक्सर ले रहा हूँ जिसमें कई सारे कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल ये कोई मैंने लिया, ठीक है कोई मिक्सर ले लिया, मिक्सर में तीन कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, तो क्रोमेटोग्राफी सब तीनों को अलग अलग कर देते हैं कंपोनेंट को। तो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर हम शार्प सेपरेशन कर सकते हैं, यानी बहुत स्पष्ट रूप से बहुत ही क्लियर सेपरेशन इसमें हो सकता है टीएलसी में। नेक्स्ट, सॉल्वेंट एंड अदर रिएजेंट आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, वो पहले भी आ चुका है, तो एक ये पहले हो चुका है हमारा पॉइंट कि सॉल्वेंट और अदर रिएजेंट जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में यूज में लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें पैसा जो है, पैसा बिल्कुल मनी जो है वो कम लगती है। क्यों भाई, रिएजेंट है उसके लिए पैसा चाहिए होगा, सॉल्वेंट के लिए पैसा चाहिए होगा, अगर कम लगेगा तो कम पैसा लगेगा। गॉट इट, ठीक है। फिर है इसमें जो प्लेट होती है वो क्या हो सकती है, हीटेड, हीट कर सकते हैं हम इसको, और फास्टर, ये जो प्रोसेस है वो क्या है, फास्टर है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर 2-3 घंटे लगते हैं, बट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में 30 मिनट ऑलमोस्ट हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं एक प्रैक्टिकल के अंदर। तो कैसा हो गया ये, फास्टर, ठीक है। ये क्या थे आपके एडवांटेज। अब हम चलते हैं किस पे, एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी, इसके टीएलसी की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस रहेगी टीएलसी की, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। चलते हैं, क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी एंड रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। सबसे पहले तो हमने क्या करना है इसके अंदर, इस क्रोमेटोग्राफी कौन सी टीएलसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो मिक्सचर दे रखा है उसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें इम्प्योरिटी है। हाँ भाई, इसमें इम्प्योरिटी है इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, ठीक है। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इम्प्योरिटी को। तो बोले डिटर्मिनेशन एंड रिमूवल इम्प्योरिटी का विद द हेल्प ऑफ टीएलसी, डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड पिगमेंट न्यूक्लिक एसिड एंड ड्रग्स, तो इनका भी हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीएलसी। कौन कौन से हैं, अमीनो एसिड है हमारे, पिगमेंट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है और ड्रग्स है। ड्रग का मतलब क्या होता है, मेडिसिन, ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लें, ड्रग का मतलब। एनालिसिस ऑफ, ध्यान रखें वो ड्रग वो नहीं होता वो दिखाते मूवीज के अंदर ड्रग का मतलब हमारे यहाँ पे हुआ क्या, मेडिसिन। चलिए, एनालिसिस ऑफ पॉइजन इन द एरिया ऑफ फॉरेंसिक साइंस, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई मूवी आ रही है उसके अंदर थ्रिलर मूवी है, उसमें किसी का मर्डर हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि जो भी उसने खाया होता है या ड्रिंक किया होता है कुछ भी, उसका एनालिसिस होता है, एनालिसिस होता है तो उसमें पॉइजन है या नहीं है उसका डिटर्मिनेशन करता है। तो इसके लिए भी टीएलसी हम यूज़ में लेते हैं,
बात समझ में आई, डिटेक्टिव बन सकते हैं आप, अगर टीएलसी अगर आपने यूज़ करना सीख लिया तो आप भी क्या बन सकते हैं, डिटेक्टिव, हेल्प कर सकते हैं पुलिस की। चलिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर द एनालिसिस ऑफ बाई प्रोडक्ट, क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या एनालिसिस कर सकते हैं किसका, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जो कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं उनका एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ टीएलसी हम कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको टीएलसी समझ में आया होगा, और अगर आया है तो कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।